हेलो दोस्तों, अकाउंट्स एंड फाइनेंस गुरुकुल चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंजनी कुमार मिश्रा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा सीरीज चल रहा है क्लास 12th के क्लासेस के लिए, उसका ये लेक्चर नंबर 3rd है, जिसमें हम कवर करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ये पार्ट 3rd है और ये आखिरी पार्ट होगा। यानी 3 पार्ट हो गया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। तो अभी हम कर रहे थे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट, तो 11 स्पेशल ट्रीटमेंट हमने कर लिया था और एक और रह रहा था। इसमें क्या है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम। कुछ कुछ ऐसे एनपीओज होते हैं जिसमें कुछ कुछ गुड्स कंज्यूम होता है, तो उसमें कंपनी को निकालना पड़ता है कि गुड्स कौन सा, गुड्स कितने का कंज्यूम हुआ, और जितने का भी गुड्स कंज्यूम होता है वो कहाँ चला जाता है, हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में चला जाता है। जैसे हो सकता है कंपनी के लिए स्टेशनरी गुड्स हो या मेडिसिन, अगर हॉस्पिटल तो मेडिसिन, अगर कोई ये क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, तो उसके लिए स्पोर्ट्स मटेरियल भी गुड्स होगा। तो गुड्स पता कैसे चलेगा कि उस साल गुड्स कितने का कंज्यूम हुआ, तो उस साल जितना भी मेरा ओपनिंग स्टॉक होगा उसमें नेट परचेज जोड़ देंगे और जो क्लोजिंग में बचा उसको माइनस कर देंगे, तो जो अमाउंट आएगा वो क्या हो जाएगा, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम। और ये कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है मेरा डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये डेबिट साइड में यानी एक्सपेंस साइड में चला जाता है। देखते हैं क्वेश्चन कैसा आता है। पीएस ग्रेवाल सर के बुक का क्वेश्चन नंबर है, इलस्ट्रेशन है 18। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द अमाउंट टू बी डेबिटेड, अमाउंट टू बी डेबिटेड टू स्टेशनरी अकाउंट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में स्टेशनरी कंज्यूम के नाम से कितना जाए, ये पूछ रहा है। ठीक है, जिसमें से ये बता क्या रहा है कि ओपनिंग यानी स्टॉक 1st अप्रैल यानी ओपनिंग स्टॉक है मेरा 30,000 का। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी यानी जो हम स्टेशनरी खरीदते हैं वो क्रेडिट पे था, तो ओपनिंग डेट पे जो क्रेडिटर है स्टेशनरी का वो है हमारा 20,000। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी है, उस साल जो अमाउंट टोटल पे हुआ है वो है 1,08,000। फिर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी यानी क्लोजिंग डेट पे जो स्टॉक है वो है 5,000 और क्रेडिटर्स क्लोजिंग डेट पे कितना है 13,000। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। तो इस केस में हम दो अकाउंट बनाएंगे, पहला तो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट और दूसरा हमारा होगा स्टेशनरी अकाउंट। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहा है कि ओपनिंग डेट पे स्टॉक कितना है मेरा, ओपनिंग डेट पे मेरा स्टॉक है, ओपनिंग डेट पे स्टॉक है 30,000। तो जो स्टॉक, ये स्टेशनरी कहने का मतलब स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट, एक तरह का कंपनी के लिए क्या हो गया एसेट, तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है मेरा डेबिट साइड, तो टू बैलेंस बीडी 30,000 का हो गया हमारा। वैसे ही क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, ओपनिंग डेट का क्रेडिटर है 20,000 और क्रेडिटर क्या होता है लायबिलिटी, तो ओपनिंग बैलेंस होगा मेरा क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीडी, अमाउंट है 20,000। अब सिंस कि ये मेरा जो स्टेशनरी हमेशा परचेज हो रहा है क्रेडिट पे हो रहा है, तो पेमेंट किसको होगा, क्रेडिटर को होगा, तो अमाउंट पेड ये किसको होगा, क्रेडिटर को है ये 1,08,000। यानी उस टाइम क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा, क्रेडिटर डेबिट टू बैंक या कैश जो भी हो, कितने का 1,08,000 का। फिर आगे, फिर स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है 5,000 का, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी, कितने का 5,000 का हो गया। और फिर क्लोजिंग क्रेडिटर कितना है 13,000 का, यानी कि टू बैलेंस सीडी, ये हो गया हमारा 13,000 का। अब इन दोनों को बंद करेंगे, तो पहले तो क्रेडिटर को बंद करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,21,000। इधर भी वही लिख देंगे 1,21,000। अब इधर जो बैलेंसिंग बचा 1,01,000 का, ये मेरा क्या हुआ होगा उस साल का बाई परचेजेस है यहाँ पे, यानी कि क्रेडिटर क्रेडिट परचेज हो गया बैलेंसिंग फिगर मेरा, यानी कि मेरा ओपनिंग में क्रेडिटर था 20,000 का, परचेज कितना हुआ 1,01,000 और उसमें से पेमेंट हो गया 1,08,000, तो क्लोजिंग में कितने क्रेडिटर बच गए 13,000 का। ठीक है, वैसे ही अब हम
अब ये जो क्रेडिट परचेज हुआ है हमारा, ये स्टॉक का पार्ट हो गया, यानी ये डेबिट हो जाएगा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर, कितने का? 1 लाख, 1 हजार, ये क्रेडिट परचेज था मेरा। तो अब इसको भी बंद करते हैं, तो ये हो जाएगा 131,000, इधर भी 131,000, यानी कि इस साल मेरा कंज्यूम कितना हो गया बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर है ये हमारा, कितने का? 1,26,000 का। तो ये 1,26,000 कहाँ पे चला जाएगा मेरा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी ओपनिंग में स्टॉक था मेरा 30,000, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 30,000, क्रेडिट परचेज जो है 1,01,000 का, और क्लोजिंग बचेगा 5,000, जो रिमेनिंग है ये 1,26,000 का हमारा क्या हो गया? ये कंज्यूम हो गया, यानी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम कितना हो गया? 1,26,000। तो यानी कि इसको हम अगर कंज्यूम निकालना है तो इसके लिए हम अकाउंट भी बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी सॉन अगेंस्ट स्टेशनरी अकाउंट, वही बात पूछ रहा है। क्रेडिटर ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया, वैसे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया। अच्छा, अब इसमें अभी जो पिछला हमने क्वेश्चन किया था, कहीं भी कैश और क्रेडिट परचेज का बात नहीं किया था, यानी हमने यहाँ पे क्या लिया था? टोटल परचेज क्रेडिट परचेज ही है। लेकिन इसमें आप क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 अ पेमेंट मेड टू क्रेडिटर अमाउंटेड टू 56,800, क्रेडिटर को कितना पेमेंट हुआ? 56,800, एंड स्टेशनरी परचेज इन कैश, और कुछ स्टेशनरी जो है मेरा कैश में भी परचेज हुआ था, वो क्या है? टोटल परचेज का 20%। तो पहले तो हम बनाएंगे इसमें दो अकाउंट, कौन कौन सा? एक बनाते हैं क्रेडिटर अकाउंट, फिर बना लेंगे हम स्टॉक अकाउंट। तो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है मेरा 4600 और क्लोजिंग है 11,800। तो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा 4600 और क्लोजिंग आ गया 11,800। अगला क्या है, स्टॉक, स्टॉक ओपनिंग है 15,000 और क्लोजिंग है 30,400, 15,000 ओपनिंग और 30,400 मेरा क्लोजिंग हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड इतना पेमेंट मेड टू क्रेडिटर 56,800, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू पेमेंट कितना है टू बैंक 56,800। तो यहां से हमें निकल जाएगा कि हमने क्रेडिट पे कितने का परचेज किया है, उस साल का क्रेडिट परचेज आ जाएगा यहां से। तो इधर से टोटल करेंगे, ये हो जाएगा 68,600, इधर भी वही लिख देंगे 68,600, इसमें माइनस हो जाएगा मेरा 4,600, तो ये बच गया 64,000। तो यानी कि बाई इस साल का क्रेडिट परचेज कितना हो गया 64,000, बैलेंसिंग फिगर है ये। ये कहां चला जाएगा मेरा? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी में, यहां पे आ जाएगा टू क्रेडिट परचेज, या क्रेडिटर कुछ भी लिख सकते हैं, क्रेडिट परचेज लिख देते हैं ब्रैकेट में। क्रेडिट परचेज कितने का था? 64,000। अब एक चीज देखिए, यहां पे क्या लिखा था, ये बोल रहा है कि स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर वॉज 20% ऑफ टोटल परचेज। तो इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट है ये, वर्किंग नोट, ठीक है। लेट द टोटल परचेज बी, लेट द टोटल परचेज बी एक्स, तो क्रेडिट परचेज कितना हो गया? कैश परचेज है, पहले क्या बोल रहा है कि 20% कैश स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% ऑफ टोटल परचेज, तो कैश परचेज हमारा हो जाएगा 20% ऑफ टोटल परचेज हमारा कितना है? एक्स, यानी 0.2x। तो क्रेडिट परचेज कितना हो गया? 80% हो जाएगा, यानी 0.8x, और क्रेडिट परचेज हमने यहां से निकाल लिया कितना है 64,000, यानी बोल सकते हैं कि 0.8x इज इक्वल टू 64,000। एक्स यानी टोटल परचेज कितना हो गया हमारा 80,000, तो कैश परचेज निकल जाएगा हमारा, कैश परचेज इज इक्वल टू, या तो 80,000 में से 64 माइनस कर दीजिए, या 80,000 का 20% निकाल दीजिए, ये दोनों केस में ये हो जाएगा 16,000, यानी कैश परचेज कितना हो गया 16,000, यानी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी डेबिट टू बैंक, आपको ब्रैकेट में लिखना है तो लिख दीजिए यहाँ पे क्या है ये कैश परचेज, कितना था हमारा 16,000,
अब दोनों साइड को क्या कर देंगे हम लोग, वन, यही साइड बड़ा है 95,000, इधर भी लिख देंगे 95,000। तो ये माइनस करने के बाद आ जाएगा 64,600। ये क्या हो गया, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी स्टेशनरी कंज्यूम्ड हो गया, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। ये हो गया हमारा बैलेंसिंग फिगर 64,600। कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें कि स्टेटमेंट बनाए या अकाउंट बनाए ऐसा ऑप्शन है, तो मैं तो यही आप लोगों को बोलूंगा कि अकाउंट वाला प्रीफर करिएगा, उससे ज्यादा इजी होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 25। इसमें क्या बोल रहा है, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स डील्ड इन प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बैलेंस शीट में भी पूछ रहा है, ठीक है। यानी ये ओपनिंग हो गया और ये हो गया हमारा क्लोजिंग, सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। अच्छा, तो इसमें क्या करते हैं ना, केवल एक ही अकाउंट बनाएंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस के नाम से, सन्ड्री एक्सपेंस के नाम से एक ही अकाउंट बनाएंगे। अब याद करिए, जो हमारा होता था सब्सक्रिप्शन अकाउंट, उसमें क्या करते थे, आउटस्टैंडिंग और एडवांस लेके चलते थे। वैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे तो ये भी यही बात कर रहा है, सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, यानी अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो ये मेरे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी। लेकिन याद करिए, जब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होता है तो वो एसेट होता है, क्यों, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इनकम है और सन्ड्री एक्सपेंस मेरा एक्सपेंस है, ठीक है। और ये सन्ड्री पेड इन एडवांस है, सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ये मेरा एसेट है। तो फिर यहाँ पे पहले तो फॉर्मेट क्लियर कर लेते हैं, एसेट क्या है, एडवांस वाला, तो टू ओपनिंग एडवांस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, फिर यहाँ पे हो जाएगा टू क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा बाई क्लोजिंग एडवांस। ये तो पहले उतार ही लेते हैं सारा, तो आउटस्टैंडिंग है ओपनिंग 5,000 और क्लोजिंग 9,000, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग 5,000 और क्लोजिंग है हमारा 9,000। वैसे ही एडवांस मेरा ओपनिंग है 8,000 और क्लोजिंग है 7,000, एडवांस ओपनिंग है 8,000 और क्लोजिंग है 7,000। अब याद करिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सैलरी एक्सपेंस एक्सपेंस साइड डेबिट साइड आएगा, तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, दूसरे कलर से लिखते हैं, यहाँ पे ये क्रेडिट हो जाएगा बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर। वैसे ही रिसीट एंड पेमेंट में वो किस साइड जाएगा, पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा टू रिसीट एंड पेमेंट, ठीक है। सब्सक्रिप्शन में दोनों उल्टा साइड होता है, दूसरे साइड होता है, ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। अब बात करते हैं आगे क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी 31 मार्च 2019 को टोटल पे हुआ 40,000, यानी ये चला जाएगा मेरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो अब हम सिंपल बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो यही साइड बड़ा होगा, ये हो जाएगा 57,000, ठीक है, ये भी लिख देंगे 57,000, और यहां से ये चला जाएगा मेरा, ये हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर 45,000 बैलेंसिंग फिगर, ये मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 45,000 के अमाउंट से आ जाएगा, ठीक है। तो जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा उसमें ये और ये चला जाएगा, ठीक है। तो ओपनिंग एडवांस मेरा एसेट साइड चला जाएगा और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी साइड। वैसे ही क्लोजिंग में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये आउटस्टैंडिंग है यानी ये लायबिलिटी साइड, और ये एडवांस है तो ये एसेट साइड, और ये चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड, और ये तो मेरा रिसीट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में था, ठीक है। अब हम लोग करते हैं एक फुल फ्लेज क्वेश्चन, ये है इलस्ट्रेशन नंबर 28। क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट, यानी ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है हमारा 31 मार्च 2019 का, किसका, फ्रेंड्स क्लब का, आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 31 मार्च 2019 को और बैलेंस शीट उसी दिन को, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट का, किसके बुक्स में, फ्रेंड्स क्लब, तो इन द बुक्स ऑफ फ्रेंड्स क्लब लिख देंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ फ्रेंड्स क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31/3/19 एक्सपेंडिचर साइड इनकम साइड रुपी डेबिट और क्रेडिट। वैसे ही बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 लायबिलिटी साइड रुपी एसेट और रुपी। अब आगे बात करते हैं, अच्छा ये हो गया मेरा कैश इन हैंड सब कुछ है, ठीक। तो सबसे पहले हम शुरू कहां से करते हैं, सबसे पहले
कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन से शुरू करते हैं, ठीक है। पहले क्या है, बोल रहा है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब हैड बुक ऑफ इतना एंड फर्नीचर ऑफ 58,000। तो मैंने अभी बताया होगा पिछले वीडियो में, क्या बताया था आपको कि जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगा तो इसमें यहाँ पे कैपिटल फंड आएगा, कैपिटल फंड, जिसमें कि हमारा क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले ओपनिंग कितना है, और इस ओपनिंग को निकालने के लिए मुझे वर्किंग नोट में क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट में ये ओपनिंग डेट 31/3/2018 यानी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, और ओपनिंग डेट पे जो भी एसेट लायबिलिटी है वो वहां पे लेके जाना पड़ेगा। तो क्या बोल रही है, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी ओपनिंग डेट पे बुक्स 3,00,000 का और फर्नीचर 58,000 के, यानी दोनों क्या हमारे लिए एसेट है। तो बुक्स 3,00,000 का हो गया और फर्नीचर 58,000, तो बुक्स है 3,00,000 का और फर्नीचर 58,000 का। सबसे पहले आप किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो फाइनल अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट हो या ये हो या आगे जो भी आएगा, पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन उठाते हैं, नहीं तो आप अगर यहां से शुरू करेंगे तो बीच बीच में कुछ कुछ छूट जाएगा आपसे। फिर दूसरा बात हो रहा है सब्सक्रिप्शन का, तो जैसे ही सब्सक्रिप्शन आपने देखा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो आपको क्या बना लेना है, उसी टाइम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेना है। तो वर्किंग नोट में बनाते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ओपनिंग डेट पे जो बैलेंस शीट बनेगा ये हमारे लिए वर्किंग नोट हो गया 1, और जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रही है ये वर्किंग नोट 2 हो गया। फॉर्मेट फिल कर देंगे, सबसे पहले 2 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, बाई क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, वैसे यहां पे बाई ओपनिंग एडवांस, और यहां पे आ जाएगा 2 क्लोजिंग एडवांस, ठीक है। फिर यहां पे आ जाएगा हमारा 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और इस साइड आ जाएगा मेरा बाई रिसीट एंड पेमेंट। अब कुछ नहीं करना है, बस कॉपी पेस्ट मारना है। आइए करते हैं, क्या बोल रहे हैं यहां पे कि सब्सक्रिप्शन इन एरियर यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 6,000 है और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 7,000 है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 6,000 और क्लोजिंग है हमारा 7,000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है हमारा 6,000 और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है हमारा 7,000। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, अच्छा इसी टाइम अब हम देख लेंगे कि ये वाला क्या दे रहा है। यहाँ पे भी सब्सक्रिप्शन का बात हुआ होगा, जो रिसीट आया है कितने का, 2,20,000 का, तो इसको भी डाल ही देते हैं। तो 2,20,000 कहाँ पे आ जाएगा, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 2,20,000, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या क्या है, ये भी हमने कर दिया। फिर आगे बात करते हैं, इतने 18,000 वाज ड्यू बाय वे ऑफ रेंट इन द बिगिनिंग एज वेल एज एंड, यानी ओपनिंग डेट पे और क्लोजिंग डेट पे दोनों में आउटस्टैंडिंग रेंट कितने का है मेरा, आउटस्टैंडिंग रेंट है मेरा 18,000 का, ठीक है। कितने का है मेरा, यहाँ पे देखिए 18,000 का, ठीक। तो यहाँ पे ओपनिंग डेट का जो बैलेंस शीट है यहाँ पे दिखा देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 18,000, और ये क्या बोल रहा है, ओपनिंग डेट पे भी आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग डेट पे भी, तो क्लोजिंग जो ये बैलेंस शीट बनेगा इसमें भी बीच में लिख ही देते हैं लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट, अमाउंट दोनों का सेम है 18,000, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, राइट ऑफ 5,000 फ्रॉम फर्नीचर और 30,000 फ्रॉम बुक्स, यानी डेप्रिसिएशन है फर्नीचर पे 5,000 और फर्नीचर पे 5,000 और बुक्स पे 30,000। तो फिर मेरा यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड में आ जाएगा 2 डेप्रिसिएशन, किसका, फर्नीचर 5,000 और बुक्स का 30,000। ये हो गया हमारा 35,000 दोनों मिला के, एक बार फिर से देख लेते अमाउंट सही है ना, 5,000 और 30,000, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, अच्छा डेप्रिसिएशन हमने कर दिया, अब
यहाँ का सारा काम हो गया हमारा, अब आ जा एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो चार था उसका सारा ट्रीटमेंट हो गया, अब आएंगे हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो रिसीट और पेमेंट अकाउंट में देखेंगे ये है हमारा ओपनिंग बीडी यानी कैश इन हैंड फर्स्ट डेट को, यानी ये भी मेरा कहाँ चला जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश साइड में, अरे सॉरी एसेट साइड में कितने का है हमारा 141,300, यहाँ पे लिख देंगे 141,300। तो आगे देखते हैं क्या है, इंटरेस्ट फी 55,200, तो ये मेरा कहाँ जाता है इंटरेस्ट फी, हमने पढ़ा था इनकम साइड, तो बाय इंटरेस्ट फी 55,600 हो गया। फिर अगला सब्सक्रिप्शन 220,000, हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया था यानी अब कोई यानी एडवांस के लिए कुछ भी नहीं बोल रहा, तो ये तो दोनों डैश हो गया, तो अब क्लोज कर देंगे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा 227,000 इधर का टोटल हो गया, इधर हो गया 227,000, तो यहां से हमें मिल जाएगा ये 221,000 बैलेंसिंग फिगर। तो ये उस साल का सब्सक्रिप्शन है, बैलेंसिंग फिगर 221,000 हो गया। यहाँ पे इनकम साइड में आ जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन 221,000। अच्छा अगर फिर से हम चले सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, तो ये मेरा ओपनिंग डेट में आउटस्टैंडिंग है यानी कि ओपनिंग जो बैलेंस शीट है उस डेट पे वो मेरा एसेट है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने का था, ओपनिंग 6,000 और क्लोजिंग 7,000, तो ये हो गया 6,000 का। और यहाँ पे भी एसेट साइड में आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने से, 7,000 से। ठीक है अब आगे बात करते हैं लेगेसी डोनेशन, पहले बात करते हैं जनरल डोनेशन 56,100। जनरल डोनेशन है तो कहाँ आएगा मेरा, इनकम साइड में बाय जनरल डोनेशन कितने का था 56,100। अगला है हमारा लेगेसी डोनेशन, इसमें भी कुछ लिखा नहीं है कि स्पेसिफिक है कोई, तो हम मानेंगे कि स्पेसिफिक नहीं, ये भी जनरल है, तो ये भी कहाँ आएगा मेरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो लिख देंगे बाय जनरल सॉरी बाय लेगेसी। हम क्या ट्रीट करेंगे इसको, जनरल लेगेसी होगा, बाय लेगेसी कितने का 50,000। अगर कोई स्पेसिफिक बोलता है कि लेगेसी फॉर प्राइजेस और ऐसा करके, तो वो हमारा बैलेंस शीट में एक नया फंड बन जाता है। ठीक है फिर बाय इंटरेस्ट 41,100, तो ये जो जनरल इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा हमने उससे आया होगा, तो उस पे इंटरेस्ट मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही आएगा, कितना है 4100, तो ये हो गया 4100। अगला देखते हैं अगला क्या है, ये है बाय सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम, ये भी मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएगा, बाय सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम। ठीक है कितना था ये 8200 था। ठीक है अगला बात करते हैं रिसीट साइड पूरा हो गया, अब पेमेंट साइड रेंट एंड टैक्सेस है हमारा 86,100, लेकिन याद रखिएगा रेंट में कुछ रेंट ऐसे थे जो कि आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में भी थे और एंड में भी, तो रेंट एंड टैक्सेस में इसमें उतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों अमाउंट सेम था, एक सेकंड में बताता हूँ। वैसे तो अमाउंट क्या है 86,100, लेकिन अगर आप यहाँ पे आएंगे तो क्या बात था, यहाँ पे 18,000 ड्यू था क्लोजिंग डेट पे भी और ओपनिंग पे भी, तो जो ओपनिंग डेट पे ड्यू होता है उसको इसमें से हम माइनस करते हैं, ओपनिंग वाला जो 18,000 है वो माइनस कर देंगे और जो क्लोजिंग वाला है उसको प्लस कर देंगे, नेट तो इसका इफेक्ट नील हो गया यानी जीरो हो गया, जितना 18,000 ऐड हुआ उतना ही माइनस दोनों इक्वल हुआ, तो ये अमाउंट तो बाहर 86,100 ही आएगा। ठीक है फिर सैलरी 1,095 सैलरी 1,09,000। ठीक है फिर अगला इलेक्ट्रिसिटी 6,200 या अगले पेज पे करते हैं टू इलेक्ट्रिसिटी कितना है 6,200
6200। अगला है मेरा जनरल डोनेशन, सॉरी जनरल एक्सपेंस, ये कितने का है? 12,500। अच्छा अब आता है बुक्स, बुक्स कितने का खरीदा? 31,200 का। ठीक है, तो जो ये मैंने बुक्स खरीदा, अब देखते हैं कि ये ओपनिंग में बुक्स कितने का था? 3,00,000 का। यहाँ पे लिखते हैं ओपनिंग में कितने का था मेरा? 3,00,000 का। और कितना खरीदा हमने बुक्स? 31,200 का। तो इसमें ऐड कर देंगे 31,200। और याद करिए जो हमारा ये डेप्रिसिएशन कट गया 30,000, ये वाला ये भी माइनस हो जाएगा, ये तो माइनस कर देंगे हम 30,000। तो ये ओवरऑल कितने का बच गया मेरा? 3,01,200 का। अच्छा अगला ऑफिस एक्सपेंस है 45,000, तो ये तो मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही आएगा। टू ऑफिस एक्सपेंस कितना है? 45,000 आ गया यहाँ पे। फिर अगला इन्वेस्टमेंट किया है हमने 1,40,000 का, तो इन्वेस्टमेंट मेरा कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। इन्वेस्टमेंट 1,40,000 का। ठीक है, अगला बात करते हैं है बैलेंस सीडी, यानी कि क्लोजिंग डेट पे बैंक और कैश। तो ये मेरे बैलेंस शीट में आ जाएगा कैश और बैंक। कितना कितना अमाउंट? कैश है 43,000 और वो 61,900, 43,000 और ये है 61,900। ठीक है, अब सारा कुछ हो गया। अब आते हैं ओपनिंग डेट का जो हमने बैलेंस शीट बनाया था। ये जो मेरा फर्नीचर था 51,800, तो फर्नीचर कितने का बच गया? फर्नीचर ओपनिंग था मेरा 58,000, साल में कुछ परचेस सेल नहीं हुआ और डेप्रिसिएशन कट गया माइनस ये वाला 5,000, माइनस कर देंगे इसमें से 5,000, तो ये बच गया हमारा 53,000। अब कर देते हैं हम ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज। तो यहां से क्लोज करेंगे, ये साइड बड़ा है तो इसको टोटल करके लिखेंगे, ये हो जाएगा मेरा 505,300। सेम अमाउंट यहाँ पे भी लिखेंगे 505,300। इसमें से ये 18,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा मेरा कैपिटल फंड। ये हमारा क्या हो जाएगा? बैलेंसिंग फिगर 505,300 में से 18,000 अगर माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा 487,300। तो ये क्या हो गया? ये मेरा ओपनिंग डेट का कैपिटल फंड है। तो ये कहाँ चला जाएगा? जो क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट हमने बनाया है उसमें ओपनिंग में ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 487। तो ओपनिंग कितना हो गया? 487,300। अब देखते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बंद करने पे क्या आ जाता है। तो दोनों साइड का टोटल करेंगे, ये दोनों पेज मिला के मैं कर रहा हूँ, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, तो दोनों साइड में अगर देखें हम लोग तो बड़ा साइड कौन सा है? ये वाला बड़ा है। ये कितना हो जाएगा? 394,600। सेम अमाउंट यहाँ भी लिखेंगे 394,600। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? 2 सरप्लस। अगर ब्रैकेट में लिखना है तो लिख दीजिए सरप्लस कब होता है? इनकम एक्सीड्स एक्सपेंडिचर, यानी इनकम बड़ा है एक्सपेंडिचर से। ये माइनस करने पे आ जाएगा 100,800, 100,800। ये हमारे लिए क्या हो गया? ये उस साल का सरप्लस है। अब ये कहाँ चला जाएगा? ये मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बन रहा है इसमें ऐड हो जाएगा प्लस सरप्लस। कितने का है? 100,800। ये दोनों जोड़ने पे हो जाएगा 588,100। अब ये वाला बैलेंस शीट मेरा मैच होना चाहिए दोनों साइड, ये जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है।
तो ये अगर टोटल करें तो ये हो जाएगा 606100, और अगर ये वाला टोटल करें तो ये भी है 606100, तो दोनों साइड हमारा मैच हो गया। तो फुल फ्लेज क्वेश्चन में आपको मेनली क्या ध्यान देना है, आपको यही ध्यान देना है कि जो हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा पहले उसको सॉल्व करेंगे, और फिर उससे अगर कुछ कुछ रिलेटेड हो, जैसे हमने ये किया तो यहाँ से सब्सक्रिप्शन हो गया, अगर ये वाला तो उतना दिक्कत नहीं था क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग पे सेम अमाउंट था, नहीं तो यहाँ पे भी हम रेंट और टैक्सेस का भी क्लियर कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है। तो इस हिसाब से जो हमारा ये वाला चैप्टर है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसको हमने किया ओवर। तो तीन लेक्चर्स में ये चैप्टर हो गया खत्म, और मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन करवा ही दिया। अगर इस क्वेश्चन के अलावा और भी कुछ आपको डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी प्लीज 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 शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय।